गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. बच्चों, चैप्टर टू जो मैंने फ्राइडे को एक्सप्लेनेशन किया था, आई होप कि वो आपने रीड कर लिया होगा. उसका जो 50 पार्ट लेफ्ट है, आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी चैप्टर टू का. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने देखिए यहाँ पर डेट वगैरह भी मेंशन की हुई है. हु आर यू, वाई आर यू सिटिंग हियर ऑल अलोन, डूपू आस्क्ड. डूपू ने पूछा कि आप कौन हो और आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई हो. आई एम फ्यूरी, माई मिस्ट्रेस हैज़ ड्राइवन मी आउट ऑफ द हाउस. मैं फ्यूरी हूँ, मेरी मालकिन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है. वी आर गोइंग टू मुंबई, हम मुंबई जा रहे हैं. वी वॉन्ट टू बिकम म्यूजिशियन, और हम म्यूजिशियन बनना चाहते हैं. मतलब हम क्या बनना चाहते हैं, हम संगीतकार बनना चाहते हैं. डू यू वॉन्ट टू एकम्पनी अस, आस्क्ड गूपू. गूपू ने पूछा कि क्या आप भी हमारे साथ जाना चाहती हैं. ओ आई वुड लव टू कम अलोंग, रिप्लाई फ्यूरी. फ्यूरी ने उत्तर दिया कि ओ मैं तो ये चीज़ पसंद करती हूँ आपके साथ. तो सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन. अब क्या था बच्चों कि अब जो तीनों थे वो तीनों साथ साथ मुंबई के लिए संगीतकार बनने के लिए चल दिए. सून दे मेट कुकू द कॉक. शीघ्र ही उन्हें कुकू मिला जो एक कॉक था. आई लव म्यूजिक एंड विश टू ज्वाइन योर बैंड, सेड कुकू. कुकू ने कहा कि मैं म्यूजिक को लव करता हूँ और तुम्हारे बैंड में, तुम्हारे दल में ज्वाइन होने की इच्छा है. दे अलाउड हिम टू ज्वाइन देम. उन्होंने उस कुकू को अनुमति दे दी अपने दल में सम्मिलित होने की. सून ऑल ऑफ देम रीच्ड नियर अ हाउस. शीघ्र ही वे सभी घर के नज़दीक पहुंच गए. दे वर टायर्ड एंड हंग्री. वे थके हुए थे और भूखे थे. दे वॉन्टेड टू ईट समथिंग बिफोर गोइंग फर्दर. मतलब आगे जाने से पहले वे कुछ खाना चाहते थे. सम लाइट वॉज कमिंग आउट थ्रू द क्लोज्ड विंडो. थोड़ी सी जो लाइट थी वो बंद विंडो से निकल रही थी. दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो एंड सा अ टेबल विद डेलिशियस फूड केप्ट ऑन इट. उन्होंने विंडो से झांका और उस और टेबल पर देखा. क्या देखा टेबल पर? टेबल पर स्वादिष्ट भोजन को देखा जो उस टेबल पर रखा हुआ था. दे डिसाइडेड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वर म्यूजिशियन. उन्होंने गाने का निश्चय किया जो लोग अंदर बैठे हुए थे कि, और ये बताना चाहते थे कि वे एक म्यूजिशियन है, वे एक संगीतकार हैं. सो ऑल फोर ऑफ देम बिगेन टू सिंग टुगेदर. इसीलिए वे चारों साथ साथ गाने लगे. दे मेड सच अ केयस दैट द पीपल इनसाइड बिकेम एफ्रेड. उन्होंने ऐसा गड़बड़ तरीके से गाया कि जो लोग अंदर घर के अंदर बैठे हुए थे वो क्या हो गए थे, वो भयभीत हो गए थे. दे थॉट दैट सम घोस्ट हैड कम टू स्केयर देम. उन्होंने सोचा कि कुछ जो घोस्ट हैं उनको डराने के लिए आए हैं. दे रेन अवे एज फास्ट एज दे कोड. वे इतनी जल्दी भागे जितनी जल्दी कि वो भाग सकते थे. गूपू डूपू फ्यूरी एंड कुकू वेंट इनसाइड द हाउस. मतलब ये चारों जो गूपू डूपू फ्यूरी एंड कुकू वो घर के अंदर चले गए. द टेबल इन द डाइनिंग रूम वॉज फुल ऑफ मैनी डेलीशियस डिशेज. डाइनिंग रूम में जो टेबल थी वो अनेक स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी हुई थी. दे बिगेन टू ईट. वे खाने लगे. दे वेंट ऑन ईटिंग टिल दे कुड ईट नो मोर. वे तब तक खाते रहे जब तक कि वो और अधिक खा सकते थे. देन दे स्लेप्ट ऑन द बेड स्प्रेड इन द बेडरूम. तब वे बेडरूम में जो वहाँ पे बिस्तर लगे हुए थे वहाँ पर सो गए. द पीपल ऑफ द हाउस नेवर रिटर्न्ड एंड द फोर फ्रेंड्स लिव्ड देयर फॉर एवर. मतलब घर के जो लोग थे वो कभी नहीं लौटे और जो चारों मित्र थे, आपको पता है बच्चों चारों मित्र कौन थे, वो सदैव
वहीं हमेशा के लिए वहीं पर रहने लगे। तो बच्चों ये चैप्टर 2 यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब बच्चों आपको क्या करना है कि अब आपको इसका एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है। ये था बच्चों आपका होमवर्क। अब कल जो वीडियो मेरी अपलोड होगी उसमें चैप्टर 2 की मैं आपको फुल एक्सरसाइज करा के सॉल्व करके दूंगी, ठीक है। उसमें क्या, और हाँ ये एक चीज़ मैं आपको बता दूँ बच्चों कि जो भी मैं आपको वर्क दे रही हूँ, अब जो भी जैसे चैप्टर 1 का दिया था, चैप्टर 2 का भी अब देने वाली हूँ, तो वो सारा वर्क आपको किस में करना है, आपको इंग्लिश फर्स्ट की नोटबुक में ही करना है, फेयर नोटबुक में करना है। तो ये था बच्चों आज का होमवर्क।